सुबह सुबह भगवान की जगह मेरा नाम क्यों ले रहा है? कोई वरदान चाहिए मुझसे? नहीं नहीं जेठालाल, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, सबको आ जाने दो, सबके सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई, बोल। सुबह सुबह मेरा नाम क्यों बम बम क्यों कर रहा था? कैसा लगा जेठा भाई कि हमारा एक रिश्तेदार का फोन आया था, तो उनको टीवी और फ्रिज खरीदना है, तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ से वो खरीदे, तो ये कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी है जेठालाल, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो उनसे खरीद लीजिए। लेकिन क्या हुआ, इनको उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो ये बार बार जोर जोर से आपके नाम से चिल्ला रहे थे जेठालाल जेठालाल, इसलिए आपको बाहर तक आवाज सुनाई दी है। हो ना, अच्छा अच्छा ऐसा। अरे वाह, थैंक यू भाई भिड़े, थैंक यू। अरे आपके रिश्तेदार है तो डिस्काउंट भी दूंगा अच्छा सा। अरे वाह, थैंक यू जेठा भाई। बगा वैसे मतलब अभी कभी आ रहे, आ जा रहे? कभी आ रहे नहीं, वो बताया नहीं है अभी तक, वो इनको बता देंगे और ये आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दुकान पे रहता हूँ पूरा दिन, कभी भी आने दो। हो ना, अरे वाह, छान माँ। चल ओके, थैंक यू भिड़े। हाँ ओके, थैंक यू। चला आता। जाओ जाओ जेठालाल, जल्दी से दुकान जाने के लिए निकलो, फिर देखना ये आत्माराम तुकाराम भिड़े तुम्हें कैसा सबक सिखाता है। अरे दया चाय ला। ए भाई जरा देख तो सही, चाय टेबल पे ही रखी है। सॉरी बाबूजी, देखा नहीं मैंने। अरे टप्पू के पापा, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी? ए जी बाबूजी, क्या हुआ? हाँ क्या छुपा रहे मुझसे? नहीं नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता। ये बहू क्या कह रही है, क्या गड़बड़ किया तूने? पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। ये ठंडा है, बहू को ताने क्यों मार रहा है? अरे नहीं नहीं बापूजी, माचिस को मैं क्या ताने मार सकता हूँ? माचिस और नहीं तो क्या, कांडी लगाने वाली माचिस। चल अभी सीधे सीधे बता, क्या गड़बड़ की है तूने? अरे कुछ नहीं बापूजी, वो हमारे बचाव के माऊजी भाई छेड़ा नहीं है। हाँ? उनके बेटे की शादी की कंकोत्री वो दुकान में देके गए थे, वो मैं घर पे लेके आया कंकोत्री, लेकिन आपको जरा बताना भूल गया। कोई बात नहीं, कभी है शादी? कल हो गई। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। माऊजी टेढ़ा के बेटे की शादी थी? टेढ़ा नहीं बापूजी, छेड़ा। अरे वो टेढ़ा ही है, सब लोग उसे माऊजी टेढ़ा कह के ही बुलाते हैं, उसके मुंह से कभी सीधी बात निकलती ही नहीं, हमेशा टेढ़ी बात करता है, अब हर जगह मेरे नाम का ढिंढोरा पीटते फिरेगा। अरे भाई ये चंपकलाल गड़ा तो अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा, इसीलिए मेरी बेटे की शादी में आया ही नहीं, ना कोई व्यवहार किया, ना कोई गिफ्ट भेजी। सॉरी सॉरी बापूजी, बापूजी मैं क्या कहता हूँ, शादी कल ही हुई है तो आज का जो कोई गिफ्ट भिजवा दो। तो वो तो भेजनी पड़ेगी ना भाई, लेकिन उससे पहले मुझे माऊजी के साथ फोन पे बात करनी पड़ेगी। जेठालाल दुकान जा क्यों नहीं रहे, खुद के काम में भी लेट कर रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए छाया मैंने कितना अच्छा दिया है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है ना। हेलो, हाँ माऊजी। हाँ भाई चंपक बोलू। वाह वाह वाह, आज बहुत बड़े आदमी का फोन आया मुझे, मेरे तो बाग खुल गए। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे आप बड़े आदमी हैं तभी तो मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। सुना चंपकलाल का फोन है, उनसे कहिए आज के बाद हम भी उनके किसी प्रसंग में नहीं जाएंगे। सुना लक्ष्मी ने क्या कहा? अरे भाई ऐसा मत बोल, क्या है कि हम लोग शादी में आने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए हम लोग शादी में नहीं आ पाए। तबीयत खराब हो गई? वाह, तबीयत कल खराब हुई थी कि आज? अरे नहीं नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तेरे बेटे के लिए गिफ्ट भी लिए, आज भेज दूंगा।
नहीं नहीं गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है भाई, फिर भी आपने लेके रखी है तो मैं आपका मन खट्टा नहीं करूंगा। मेरे चीकू को आशीर्वाद मिला है ऐसा समझकर रख लूंगा। चल अभी फोन रखता हूँ। ठीक है। अरे ये देखिए ना, सुना सुना है उसने, अभी मेहरबानी करके आज के आज उसे गिफ्ट भिजवा देना। हाँ हाँ बापूजी, आज के आज भेज दूंगा। समाज में रहना है तो व्यवहार निभाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। लेकिन बापूजी मैं क्या कहता हूँ, गिफ्ट भेजने से अच्छा एक बड़ा सा कवर बना के भेज दू, क्या फिर उसमें से उनको जो खरीदना है वो खरीद सकते है। 5,000 का कवर भेज दू। 5,000? ठीक है तो 10,000 का बना के भेज देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, इतना ज्यादा व्यवहार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो आप बताइए बाबूजी, कितने का कवर बना के भेज दू। वैसे मावजी काका और लक्ष्मी काकी टप्पू के 20वें हैप्पी बर्थडे में आए थे ना, तो उन्होंने 1 से 1 का कवर दिया था। अच्छा तो ठीक है, हम भी 1 से 1 का कवर बना के भेज देते, जैसे को तैसा। नहीं नहीं हम उसके जैसे थोड़ी है। ठीक है तो आप बताइए बाबूजी, कितने का कवर बना के भेजू। मैं क्या कह रहा हूँ कि पैसों की जगह उन्हें घर में काम आए ऐसी कोई चीज खरीद कर दे देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगे। बराबर है, वो भी बराबर है, तो आप बताइए कौन सी गिफ्ट खरीद करके उनको भेज दे। अरे हर बात में क्या, आप बताइए आप बताइए, तो खुद नहीं सोच सकता। अब मैं क्या कहती हूँ, हम उनको गिफ्ट में प्रेशर कुकर देता। अरे शादी में कोई कुकर थोड़ी देता है दया। अरे देता है टप्पू के पापा, हमारी शादी में मेरी 7 मौसी ने 1-1 प्रेशर कुकर दिया था, तो कुल मिला के घर में 7 प्रेशर कुकर हो गए थे, और मैं हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कुकर में खाना बनाती थी। सोमवार को हैसा मासी के कुकर में दाल बनाती थी, मंगलवार को मीना मासी के कुकर में भात बनाती थी, बुधवार को साधु मासी के कुकर में मैं ढोकला बनाती थी, फिर बस बस अभी कुकर पुराण बंद कर, कुकर वुकर नहीं दे सकते भाई। नहीं नहीं बहुत सही कह रही है। बराबर है कुकर, बराबर है कुकर भेज देते। तो बाबूजी आज के आज मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम यही करूंगा, नट्टू काका के हाथों कुकर भिजवा देता हूँ। और बोलिए और कोई सेवा। सॉरी सॉरी बापूजी, आपको कंकोत्री का कहने का भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये कुकर भेजना मत भूलना। नहीं नहीं बापूजी हो जाएगा, आज के आज हो जाएगा। चलो मैं निकलूं बापूजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आता हूँ बापूजी। हेलो, हम बोल रहा हूँ, कहाँ से? अला 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 अला। अच्छा बोलिए क्या चाहिए? चाय? चाय क्या? आपकी चाय पीने से मेरा वजन कम होगा? अरे भाई इधर किसका वजन कम करना है, तुम करो अपना वजन कम। हाँ कहाँ से नंबर मिल जाते हैं सबको। तू जा रहा है भी नहीं सोसाइटी में। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। हां अय्यर बबीता जी आ गए। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मस्त शर्ट पहना है आपने। हां जय महाराष्ट्र। वो जेठा जी एक्चुअली हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। ओहो हो आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बोलिए बोलिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? वो एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। बबीता जी मेरी आपसे यही शिकायत है, आप हमेशा छोटा सा काम ही देती है मुझे। अरे अरे कभी बड़ा काम दीजिए तो करने का मजा है, नहीं अय्यर भाई? ये काम मजे से करो, बड़ा काम भी मिलेगा। अरे यारे यार लोकर या बाहर। एक्चुअली मुझे ऑटोमेटिक आटा मेकर के बारे में पूछना था, आपके शॉप में मिलेगा? नहीं बबीता जी वो तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे मार्केट में 2-3 दोस्त है वो लोग बेचते, तो आप एक काम करना आप मेरी दुकान पे आ जाना, वहाँ से मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा उनकी दुकान पे, वहाँ से आप जो चाहिए ले लेना। मैं तो कहता हूँ बबीता जी आटा मेकर के साथ एक रोटी मेकर भी आता है, वो भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया रोटी बनती है उसमें। अय्यर भाई आपको मस्त गरम गरम रोटी बना के खिलाएंगे। अय्यर भाई वो रोटली पे मस्त हो घी चौपड़ना, क्या घी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये जितने सांधे है ना उसमें ऑयलिंग हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ओहो पोपटलाल भी आ गया, क्या बात है भाई, सुबह सुबह क्या बातें चल रही है? अरे भाई अय्यर भाई रोटी मेकर खरीद रहे हैं। अरे वाह अय्यर भाई मुझे भी एक चाहिए। तुमको? अरे भाई जब तक होम मेकर नहीं आ जाती तब तक रोटी मेकर से ही काम चला लेते। पोपट भाई नहीं नहीं सुनने की बात नहीं, अंजलि मैं नहीं आ सकता, लेट हो जाऊंगा ना। तारका हमेशा यही बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों क्या बात है। मेहता साहब आइए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अभी बाकी सब मेरी वजह से आएंगे। ओ गैर जिम्मेदार जेठालाल। क्या बोला भिड़े? वही जो तुमने सुना, गैर जिम्मेदार जेठालाल। सुबह सुबह क्या हुआ भाई? पता है आज क्या तारीख है? तुमको क्या, मैं चलता फिरता बोलता कैलेंडर लग रहा हूँ। अपने घर में कैलेंडर होगा ना, देख ले भाई कौन सी तारीख है आज। अरे भाई भिड़ा, आज 22 तारीख है, मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? सुना जेठालाल, आज 22 तारीख है। 22? अरे तो मैंने कब कहा 22 तारीख नहीं है? क्या काम क्या बोलना भाई, जल्दी दुकान जाना लेट हो रहा है। काम धंधा लेके बैठे तेरी तरह घर पे नहीं बैठे। जेठालाल मैं घर पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। मैं बौद्धिक काम करता हूँ, बौद्धिक काम। अरे शिक्षक हूँ, शिक्षक लोगों को ट्यूशन देता हूँ। अरे सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, और उसी के नाते तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज 22 तारीख आ गई है लेकिन तुमने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है। वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। अब जब तुमने सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं दिया, यह तो गलत है। ची ची भी जेठालाल, तुमने अभी तक मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया? अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे भाई नहीं दिया तो दे दूंगा, भाग थोड़ी रहा हूं मैं। जेठालाल अभी तो तुम भाग ही रहे थे ना। क्या बोले आप, क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि मैं भाग रहा था। मतलब क्या, मैं रोज की तरह दुकान जा रहा था। अरे नहीं जनरल, मेरा मुंह से ऐसा निकल गया। मैंने मुंह से ऐसे कैसे निकलेगा? नहीं भाग रहा था मतलब क्या, अब क्या कहना क्या चाहते हैं यार भाई? देखा बात कितनी बढ़ रही है। तो बढ़ने दो, डरता कौन है? क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात का शोर हो रहा है? ओ जी सुबह सुबह किस बात की तूने मेहमान लगा रखी है? आओ हाथी भाई, सोड़ी भाई, आओ आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। देखो देखो जेठालाल क्या कर रहा है। भिड़े ये तेरी और मेरी बात है, इसमें तू पूरी सोसाइटी को क्यों शामिल कर रहा है? अरे तो करूंगा ही ना सोसाइटी को शामिल, क्योंकि ये सोसाइटी का मैटर है। भाई मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सब लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हो ना? ऑलवेज। हाँ बड़े मास्टर, हम तो हमेशा टाइम पे ही मेंटेनेंस दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। आज तक आपको कभी याद दिलाने की जरूरत पड़ी है? नहीं। लेकिन जेठालाल को मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ता है, हर महीने इसका मेंटेनेंस का चेक लेट ही आता है। जेठा भाई ये सही बात नहीं है, मेंटेनेंस टाइम पे देना तो हमारा फर्ज बनता है। जेठालाल इतने पैसे कमाते हो फिर भी ऐसा करते हो? लाल भिड़े ये बात तू सबके बीच में क्यों बोल रहा है? सुबह बालकनी में मिला था तब नहीं बता सकता था, या फोन करके नहीं बता सकता था? तुम्हें हर महीने फोन ही तो करता हूँ जेठालाल, बार बार जब तुम्हें फोन करता हूँ तब जाके तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक आता है। अरे तंग आ गया हूँ मैं बार बार फोन करने से, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? अरे भाई काम में आदमी भूल जाता है। तू गब्बस माधवी। अच्छा भूल जाता है, काम में आदमी भूल जाता है, मतलब ये सब लोग जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हैं इनके पास कोई काम ही नहीं है ना? जेठालाल आज सबके बीच तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये है जेठालाल कि तुम्हें जलेबी फाफड़ा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। ए उसल मिसल, ये जलेबी फाफड़ा को बीच में क्यों ला रहा है? उन बेचारों का मेंटेनेंस के साथ क्या लेना देना? कोमल ये झगड़े के बीच में फाफड़ा जलेबी और उसल मिसल का नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे तकलीफ हो रही है। जेठालाल ऊंची आवाज में बात मत करो, मेरी भी आवाज ऊंची हो सकती है। हाँ तो कर, और आवाज ऊंची कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल प्रेशर कुकर। तारा के लोग बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? प्रेशर कुकर बोलना। हाँ प्रेशर कुकर। माधवी भाभी ये प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर से नीचे उतारो वरना फट जाएगा। हाँ उतरिए ना, मेरा मतलब जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। आए जाने दीजिए माधवी, तुम मतलब प्रेशर कुकर बोलना। मैं प्रेशर कुकर जेठालाल, तो तुम ढोल, वो भी फटा हुआ ढोल। जेठालाल छोड़ो ना ये सब भाई। अरे मैं तो साहब, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो चुपचाप दुकान जा रहा था, या इसी ने नौटंकी चालू कर दी। ये क्या नौटंकी? देखा भाई, सुना आपने, अभी सोसाइटी का काम इन्हें नौटंकी लग रहा है। जेठालाल अरे भिड़े तुम छोड़ दो भाई। हाँ अरे भिड़े मास्टर बात को खत्म करो, जेठा भाई कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे भागना तो हाथी भाई मुझे पड़ता है, वो भी हर महीने इसके पीछे, जब भी मेंटेनेंस का चेक लेने की बारी आती है भाग भिड़े भाग। अरे सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं।
अरे देखा आती भाई, इसकी पीने की जगह पे अटक गई, एक ही बात बार बार बोल रहा है, मैं नौकर नहीं हूँ। अरे भाई किसने बोला तू नौकर है? ये लघुता ग्रंथ थी, अपने मन में से निकाल दो। क्या निकाल दो? कौन सी ग्रंथि निकाल दो? लघुता ग्रंथि मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी। मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अरे माँ। और जेठा प्रा, ओ बिड़ू, और सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और करना है तो पार्टी शार्टी करते हैं ना। हाँ सोनी चल चल, अभी के अभी हम सब जाते हैं पार्टी करते हैं और इसको ही नहीं ले जाएंगे। ये चिड़ू तो है। ए, तेरी पार्टी शार्टी की टेप बंद कर, नहीं तो हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। से? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ए जेठिया, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने सोसाइटी के गैर जिम्मेदार मेंबर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ, जिसने आज तक कभी भी मेंटेनेंस टाइम पे भरा ही नहीं। ए, किसने नहीं भरा? कौन है वो बाबू चक? वो जो भी हो, उसे अभी कभी सोसाइटी में मुर्गा बनाओ। अरे क्या मुर्गा बनाऊं? मैं ही हूँ वो, मैंने नहीं दिया मेंटेनेंस। तो क्यों क्यों नहीं भरा तूने? सॉरी बापूजी, वो काम में जरा भूल गया, उसमें तो ये भीड़ ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, पूरी सोसाइटी को जमा कर दिया। अरे सोसाइटी का मैटर तो सोसाइटी को जमा नहीं करूंगा मैं। अरे भाई कभी कभार हो जाता है, भूल जाता है आदमी, काम में दिमाग से निकल जाता है। कभी कभार मैं चला लेता जेठाला, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये हर बार होता है। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि सोसाइटी मुझे इस काम के लिए पगार नहीं देती? ये ऑनरली करता हूँ मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ मैं। मेरा सेक्रेटरी बनने की लायकात भी नहीं है तुम्हारी। लायकी लायकी कर तो माजी। अरे सब काम मुझे पगार नहीं मिलता है, वो पता है, वो सब काम करता हूँ। छान लो यार, अरे भाई जेठिया गलती तेरी है, तू क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मां सॉरी बाबूजी। भाई भिड़े, तेरा मेंटेनेंस मैं दे दूंगा, वो भी आज ही दे दूंगा, और वो भी पूरे साल का एक साथ, वो भी रोकड़ा। फाइनेंस प्रॉब्लम। अभी तू मुझे हर महीने रसीद देना भूलना मत, एक भी दिन लेट हुआ ना फिर देख मैं क्या करता हूँ। ये धमकी से गुंडे। बस अभी हो गया ना समाधान, चलो अभी शांति से दुकान जा। और भाई सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी, वरना ये युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा था। वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ भाई। चलो चलो मैं चलता हूँ। कोमल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। जलेबी फाफड़ा चला ना। चलो बबीता। तो बबीता जी आप अभी मेरे साथ आ रहे हैं दुकान या बाद में आएंगे? वो एक्चुअली जेठा जी, वो आटा मेकर मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को चाहिए था। हाँ तो मैं उसे आपका नंबर दे दूंगी, तो फिर आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि कब कहाँ पे कैसे मिलना है। जी ओके ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ थैंक यू, बाय। घर में दया और कंपाउंड में भीड़, पूरी सुबह बर्बाद कर दी, और दुकान में भागा और नटू काका तो है। अरे नटू काका को फोन कर देता हूँ। हाँ नटू काका, अभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू मेरी उम्र लंबी करने के लिए। है? आपने मुझे फोन करके याद किया, मतलब मेरी उम्र लंबी हो गई ना। अरे भाई ये सब फालतू बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, आज आप दुकान जल्दी आ जाना। सॉरी सेठ जी, पर आज आप दुकान वक्त पर पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ, मुझे अर्जेंट गांव जाना पड़ रहा है। क्या क्यों? आई एक्सप्लेन सेठ जी, वो क्या है कि हमारे उड़ाई गांव के बाजू के वडनगर में कुछ फॉरेनर्स घूमने आए, तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए गांव वालों ने खास मुझे बुलाया है। अरे तो फिर दुकान में? अरे दुकान में बागा है ना सेठ जी। अरे भाई बागा तो है, लेकिन ऐसे अचानक आप कैसे जा सकते हैं? आई नो सेठ जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने देश के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा। अरे इसमें देश बीच में कहां से आया? और नहीं तो क्या सेठ जी, मैं गांव नहीं गया तो वो फॉरेनर अपने देश की क्या छवि लेकर जाएंगे कि इतने बड़े देश में किसी को अंग्रेजी नहीं आती। सो फॉर माई कंट्री एंड माई फेलो कंट्रीमैन, मुझे गाँव जाना जरूरी है।
प्लीज बेयर विथ मी, मैं ASAP वापस आ जाऊंगा। कब वापस आएंगे? ASAP मतलब एज सून एज पॉसिबल, हो सके उतनी जल्दी। ओके सेठ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। जय हिंद। जब भी काम होता है तभी इनको बाहर काम जाने का होता है, बागा का भरोसे पूरी दुकान कैसे छोड़ सकता हूँ। चलो पहले दुकान तो जाता हूँ। अरे हाँ भाई, हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत का भी क्या कहें, कितने टेंशन, एक अकेली जान और इतने सारे टेंशन। देखिए ना, दुकान का टेंशन, भिड़े को 50,000 रुपए पहुंचाने का टेंशन, माऊजी छेड़ा को गिफ्ट पहुंचाने का टेंशन, और ऐसे में नटुका का भी बड़नगर चले गए। अब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही जेठालाल को बाघा का सहारा। अब बाघा के हाथ में है जेठालाल की नैया को पार लगा। अब देखना ये होगा कि बाघा क्या करते हैं। अगर उनका काम बनाते हैं भाई बहुत अच्छे, और लेकिन बिगाड़ देंगे तो क्या होगा, होंगे बड़े धमाके। ये आपके घरों में टेंशन फ्री ठाके और हंसी हम लेके आएंगे। काम बने चाहे बिगड़े, आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।